नमस्कार, न्यूज 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं राजदा। गुमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में फिर से डबल इंजन की सरकार का आह्वान किया, तो साथ ही कांग्रेस जेएमएम पर झारखंड को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाने का भी कारण बताया। रिपोर्ट देखें। बिरसा मुंडा गुमला के वीर योद्धा श्री तेलंगा खड़िया, वीर बुधु भगत, वीर चांद भैरव, वीर सिद्धू कानू, वीर जत्रा टाना भगत, बख्तर साई मुंडन साई जैसे अनेक सेनानियों को, राष्ट्रभक्तों को मैं नमन करता हूँ। भगवान बिरसा की धरती पर अपने चुनावी सभा का आगाज प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय घोष और भगवान बिरसा को नमन के साथ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद की कमर टूटने का जिक्र किया। गुमला और आसपास का अधिकतर क्षेत्र भय के वातावरण से करीब करीब मुक्त हो चुका है। पीएम मोदी ने गुमला के मंच से पूरे झारखंड की जनता से दिल्ली और रांची का तालमेल बनाए रखने के लिए बीजेपी सरकार को वापस लाने का आह्वान किया, तो वहीं मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे को लेकर विपक्षियों पर झारखंड को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। इन लोगों ने झारखंड को ऐसा दिखाया जैसे यहाँ का आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का हर वर्ग सिर्फ और सिर्फ हिंसा करता रहता। पीएम ने यहाँ से भगवान राम के एक राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में आदिवासियों की भूमिका का जिक्र किया। 14 साल में एक राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बन गए? क्योंकि 14 साल राम जी ने मेरे आदिवासियों के बीच गुजारे। तो वहीं उन्होंने गुमला के अंधेरे से उजाले में आने का भी जिक्र किया। छवि को गुमला देश के 112 आकांक्षी जिलों में से टॉप 3 में आ गया। टॉप प्रधानमंत्री गुमला में उमड़ी भीड़ से अभिभूत नजर आए। अब प्रधानमंत्री का आह्वान जनता तक कितना पहुंचता है, ये तो 23 दिसंबर को सामने आएगा। गुमला से ऋषिकेश के साथ रणधीर, न्यूज 11 भारत।